देखिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द वेलोसिटी प्रोफाइल इनसाइड द बाउंड्री लेयर फॉर द फ्लो ओवर अ प्लेट प्लेट इज डिवन बाई, इस बार देखिए जो बाउंड्री प्रोफाइल आपको दी जा रही है, वेलोसिटी प्रोफाइल, वो मेरे साइन के फंक्शन में है। तो साइन के फंक्शन में है, तो मैं लिख लेता हूं कि वेलोसिटी प्रोफाइल क्या दी जाइए इस बार। तो इस बार जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो ये है कि यू डिवाइड बाई यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू साइन, और आगे लिखा है मेरा पाई बाई टू, और साथ साथ यहां पर लिखा है वाई बटे डेल्टा। तो चेक कीजिए, इस बार जो बाउंड्री प्रोफाइल है मेरे पास ये है। हालांकि ये जो बाउंड्री प्रोफाइल होती है, ध्यान रखना, वो केवल लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होती है। तो ऐसा अगर ना भी लिखा हो तो भी अपने अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो प्रोफाइल है ये वैलिड फॉर लेमिनार फ्लो। ठीक है, आगे बात सुनिए। एक बार मैं इस प्रोफाइल को थोड़ा चेक कर लेता हूं कि ये प्रोफाइल जो दी गई है ये बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती। तो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के पीछे क्या नियम होता है आप सबको पता है कि बाउंड्री कंडीशन उसी समय सेटिस्फाइड करेगी कि जब वाई का मान जीरो रखने पर, जब वाई का मान जीरो रखने पर मिलने वाली जो वेलोसिटी यू हो वो भी जीरो होनी चाहिए। वाई का मान जीरो रखने पर मिलने वाली वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तभी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। तो चेक कर लेते हैं ऐसा है कि नहीं है। तो एक बात बताइए, यू डिवाइड बाई यू इनफाइनाइट है इक्वल टू साइन पाई बाई टू इंटू वाई बाई डेल्टा, तो वाई जीरो रखिए। अगर तुमने वाई जीरो रखा तो देखिए यहां पर वाई जीरो रखिए, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है तो यू इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई टाइम है तो स्मॉल यू जीरो। इसका मतलब ये कंडीशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, तो ये प्रोफाइल है। अच्छा, एक और कंडीशन भी होनी चाहिए। कंडीशन होती है कि बाउंड्री लेयर पे क्या होता है सर, जब बाउंड्री लेयर पे पहुंच जाते हो तो y जो होता है वो डेल्टा के बराबर हो जाता है। y किसके बराबर हो जाता है? डेल्टा के, एट बाउंड्री लेयर। और उस समय जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी u इनफाइनाइट के बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होल्ड करती हैं तभी आप कह सकते हो कि ये हमारी कंडीशन या ये प्रोफाइल एकदम सही प्रोफाइल है। तो देख लेते हैं y बराबर डेल्टा रखने पर क्या है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, जैसे मैं y बराबर यहां डेल्टा रखूंगा तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, अंतर बचेगा साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो भैया मेरे अगर साइन 91 है तो चेक कीजिए u बटे u इनफाइनाइट बराबर 1, तो u बराबर u इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है ये प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल मेरी एकदम सही प्रोफाइल है, मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, आगे बात सुनिए। इन्होंने क्या बोला था, कहा जा रहा था कि मेरे पास ये कोई प्रोफाइल दी रही है, मेरे पास ये कोई प्रोफाइल है। तो ये प्रोफाइल इन्होंने कह दिया कि सर यहां से ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक है, आगे देखिए, वेयर यू इन्फिनिटी इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, डेल्टा इज द लोकल बाउंड्री लेयर एंड डेल्टा इज द लोकल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ये सब मुझे पता है। लेकिन लास्ट में इन्होंने क्या पूछा कि मुझे रेशियो बता दो, किसका रेशियो पूछा जा रहा है, डेल स्टार और डिवाइड बाई कह सकते हो कि डेल, डेल स्टार डिवाइड बाई डेल का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है डेल स्टार और डिवाइड बाई डेल, इन दोनों का रेशियो है पूछा जा रहा है। अच्छा, डेल स्टार क्या होता है सर? डेल स्टार होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डेल क्या होता है सर? डेल होता है थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो भैया मेरे अगर डेल स्टार बटे डेल का रेशियो पूछा है तो मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला लगा दूंगा और बड़े ही आराम से देखिए ये रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, अब मेरे पास इस स्लाइड में तो जगह नहीं है, मैं दूसरी स्लाइड में काम कर लेता हूं इसके बाद। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं डेल स्टार निकालने जा रहा हूं। तो अगर डेल स्टार का मैं पूछूं कि बताओ जरा सर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा, है ना, अंदर क्या होता है, वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट, वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट। सवाल ये है कि सर अगर वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट है तो यू बटे यू इनफाइनाइट का मान कितना था? तो यू बटे यू इनफाइनाइट का मान ही तो मेरा था साइन, और अंदर था पाई बाई टू, और साथ साथ यहां पर था वाई बटे डेल्टा। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो वीडियो को, फिर से दोबारा पीछे ले जाके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये मान था मेरे पास वन माई, भाई यू अंदर होता है यू बटे यू इनफाइनाइट, और यू बटे इनफाइनाइट ही तो मेरा साइन पाई बाई टू बटे इंटू वाई बाई डेल्टा है, साइन पाई बाई टू वाई बाई डेल्टा है, देखिए साइन पाई बाई टू वाई बटे डेल्टा है यू इनफाइनाइट, है ना। तो इसका मतलब मैंने एकदम सही लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेट करा दीजिए, तो इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें बस फॉर्मूले पता होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो याद कीजिए, अगर मैं यहां पर वन का इंटीग्रेशन कहूं कि बताइए जरा इस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहोगे सर वन, वन का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन y, साइन पाई बाई टू इंटू वाई बाई डेल्टा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन का इंटीग्रेशन पहले तो माइनस लगाइए या माइनस न लगाइए, तो साइन का इंटीग्रेशन सुनिए,
जब भी कभी मुझसे कहा जाता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए कितना होना चाहिए, तो आप सबको पता होगा कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लेकिन होता क्या है कि जब भी मैं आपसे कहूं कि साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो आप कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस टू एक्स कर दो, माइनस कॉस टू एक्स कर दो। लेकिन एक्स का जो गुणांक होता है, एक्स गुणांक यहां कितना है? दो। तो यहां दो का डिवाइड भी तो होगा, दो का डिवाइड भी तो होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि माइनस क्रॉस टू एक्स बटे दो अगर साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन निकालू, तो वही मुझे लॉजिक यहां भी लगाना पड़ेगा। पहली बात तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस में, तो माइनस में हो रहा तो कन्फर्म यहां क्या लग जाएगा? प्लस, है ना। और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्रॉस, और अंदर जो कुछ लिखा है डेट मीन्स पाई बाई टू इंटू वाई बाई डेल्टा वो तो आएगा ही आएगा, परंतु वाई का जो कोफिशियंट है, वाई के साथ एच हो रहा है ना, तो वाई का जो कोफिशियंट उसका डिवाइड भी होगा। तो सर वाई का कोफिशियंट या वाई का गुणांक कितना है? तो पाई बटे टू डेल्टा, पाई डिवाइड बाई टू डेल्टा। तो इसका मतलब इस जो कोफिशियंट है वाई का, इसका डिवाइड भी होगा। तो डिवाइड कहा जाएगा यहां पर पाई डिवाइड बाई टू टाइम्स डेल्टा। चेक कीजिए, ये कह सकते हो इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन होने के बाद मुझे लिमिट भी तो लगानी है, तो लिमिट लगाएगी जीरो से डेल्टा। जो लिमिट लगाई जाएगी वो जीरो से डेल्टा। सवाल को सॉल्व कर देते, सर अगर मैं बात यहां वाई की करता हूं, तो वाई में डेल्टा रखा जाएगा, फिर माइनस करके जीरो रखा जाएगा, तो आएगा तो डेल्टा ना। तो अगर मैं यहां पर लिमिट पुट कराऊं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि लिमिट पुट कराने पर इस वाई की जगह पर डेल्टा माइनस जीरो मतलब डेल्टा प्लस। पहले अपर लिमिट रख रहा हूं। अब एक बात बताइए, अगर इसको मैं सीधा कर दूं, तो सीधा हो जाने के बाद ही बन जाएगा टू डेल्टा डिवाइड बाई पाई। मैंने इसको सीधा कर दिया। अब इसके बाद पहले मैं रखूंगा अपर लिमिट वाई की जगह पे, और फिर वाई की जगह लोअर लिमिट। तो एक बात बताइए, अगर वाई की जगह पे डेल्टा मैं रखता हूं, वाई की जगह डेल्टा, तो वाई की जगह डेल्टा, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल, तो कन्फर्म यहां बनेगा कॉस पाई बाई टू। फिर चिन्ह बदला जाता है, अपर लिमिट रखने के बाद साइन चेंज किया जाता है, माइनस में आया, अब y के स्थान पे जीरो। तो y के स्थान पे जीरो रखा जाएगा, तो चेक कर लीजिए कि पूरा जो डेटा बन जाएगा ये cos जीरो बन जाएगा, cos जीरो, है ना। अब एक बात बताइए, cos पाई बाई टू कितना होता है? तो आप सबको पता है कि जो cos पाई बाई टू होता है, cos पाई बाई टू वो मेरा जीरो होता है, cos 90। और cos जीरो कितना होता है? सर cos जीरो माइनस वन होता है, वन होता है, वन होता है, लेकिन ये माइनस तो लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मुझसे पूछा जाता है कि बताओ जरा सर डेल स्टार कितना आया। तो डेल स्टार मैं कह सकता हूं डेल दोनों से कॉमन ले लीजिए, डेल दोनों से कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही कॉमन लिया जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जीरो और ये माइनस में आ गया। और जैसे ही माइनस में आया तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा वन माइनस टू बाई पाई, वन माइनस टू बाई पाई। चेक कीजिए, तो मैंने रिजल्ट निकाल लिया और बता दिया कि डेल स्टार का मान सर डेल इंटू वन माइनस टू बाई पाई आया है। इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व कराने के बाद ये आप लोगों को बात क्लियर हो रही होगी, है ना। अब पूछा मुझसे क्या जा रहा था, मुझसे पूछा जा रहा था सवाल में डेल स्टार और डेल्टा रेशियो, डेल स्टार और डेल्टा रेशियो पूछा जा रहा था। देख लीजिए, अगर मैं डेल स्टार और डेल्टा रेशियो पूछू कितना आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन माइनस टू बाई पाई, वन माइनस टू बाई पाई। ठीक है, तो चेक कर लीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो वन माइनस टू बाई पाई। तो ढूंढ लीजिए वन माइनस टू बाई पाई कहाँ है, टू बाई पाई, वन माइनस टू बाई पाई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन माइनस टू बाई पाई, वन प्लस टू बाई पाई नहीं है, गलत है, डी भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर वन माइनस टू बाई पाई आ गया। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये बढ़िया प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल को देखकर ज्यादातर लड़के गलत कर देते हैं, सोचते हैं कि सर ये कैसी प्रोफाइल आ रही। तो घबराना नहीं है, जैसा डेटा दिया गया उस हिसाब से हम सॉल्व करते जाए। साइन का इंटीग्रेशन भाई सबको पता है, भाई कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो बस मैंने माइनस कॉस एक्स मैंने किया, तो वो माइनस वाला हमारा प्लस में हो गया, और जैसे ही मेरा प्लस में आ गया तो फटाफट सॉल्व करा दिया। कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई देखो पहले प्लस में आया जब माइनस इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ कॉस पाई बाई टू जीरो रखा, कॉस जीरो माइनस वन रखा, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, कंसीडर अ लेमिनार फ्लो, मतलब मेरे पास एक लेमिनार फ्लो है एट जीरो इंसिडेंट। अच्छा, बार बार मैं बोलता हूं कि जब भी कभी वर्ड लिखा हो जीरो इंसिडेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो फ्लो है वो पैरेलल हो रहा है, प्लेट के पैरेलल हो रहा है।
तो जब भी कभी जीरो इंसिडेंट लिखा हो तो हमेशा ध्यान रखना कि होने वाला फ्लो प्लेट के पैरेलल है, जरा सा भी एंगल नहीं बना रहा, उसी को बोलते हैं फ्लो एट जीरो इंसिडेंट। आगे लिखिए, ओवर अ फ्लैट प्लेट द शियर स्ट्रेस एट द वॉल डिनोटेड बाय टाई डब्ल्यू एट वॉल, और आगे लिखा हुआ है द एक्सियल पोजिशन एक्स वन एंड एक्स टू द ऑन द प्लेट आर मेजर्ड फ्रॉम द लीडिंग एज, फ्रॉम द लीडिंग एज। तो अब मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको पूरे लैंड बेस्ड का। वैसे ये सवाल ऐसे ही मुंह जवानी सॉल्व होना चाहिए, सर ये कोई प्लेट है और इस प्लेट पे दो सेक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं एक्स वन और एक्स टू, और ऐसा कहा जा रहा है लीडिंग एज से है कि एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन। तो मतलब ये है कि ये पहला सेक्शन मान लीजिए जो कि यहां से एक्स वन डिस्टेंस पर है, और एक मेरा दूसरा सेक्शन मान लीजिए ये जो कि एक्स टू डिस्टेंस पर है। तो यहां पर आने वाला शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वन और यहां पर आने वाला शियर स्ट्रेस टाउ एक्स टू। अब बात जो हो रही है वो कौन से फ्लो की हो रही है, लेमिनार फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो की हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्री स्टीम वेलोसिटी रही होगी, और उस फ्री स्टीम वेलोसिटी की मदद से जो टाउ एक्स वन और टाउ एक्स टू आ रहा है, जिसको मैं वॉल शियर स्ट्रेस बोल रहा हूं एट अ डिस्टेंस एक्स वन एंड एक्स टू फ्रॉम लीडिंग एज, तो मैं कह सकता हूं कि मुझे बताना है कि टाउ एक्स वन टाउ एक्स टू में से कौन सा पैरामीटर बड़ा है कौन सा छोटा है इन दिखाए गए दो पॉइंट के अनुसार। बहुत सीधा सा सवाल है, तो याद करिए मैं इसके लिए एक पॉइंट बताया था ब्लेसियस में। ब्लेसियस में मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी सी एफेक्ट्स देखते हैं तो जो सी एफेक्ट्स का फॉर्मूला आया था ब्लेसियस के लिए, फॉर्मूला छोड़िए सीधा सीधा मुझे यह पता है कि ब्लेसियस रिजल्ट में लेमिनार फ्लो के लिए सी एफेक्ट्स अंडर रूट आर ई एच के समानुपाती था, अंडर रूट, और आर ई एक्स यानी रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर में एक्स आए ही आएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यह समानुपाती वन अपॉन रूट एक्स होगा, है ना। और जो शियर स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है सी एफ एक्स इंटू हाफ रो यू स्क्वायर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो शियर स्ट्रेस टाउ होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वन अपॉन रूट एक्स के, क्योंकि टाउ सी एफ एक्स से समानुपाती होता है ना। वैसे ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट भी बता चुका हूं वहां पर कि लेमिनार फ्लो के लिए आने वाला जो शियर स्ट्रेस होता है वो अंडर रूट एक्स के वन अपॉन रूट एक्स के समानुपाती होता है। तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जहां पर सर एक्स ज्यादा होगा वहां पर आने वाला शियर स्ट्रेस कम होगा, जहां पर एक्स कम होगा वहां पर आने वाला शियर स्ट्रेस ज्यादा है, क्योंकि उल्टा है, क्योंकि उल्टा है। देखिए ये फॉर्मूला लेमिनार के लिए वैलिड था, ये फॉर्मूला लेमिनार के लिए वैलिड था, लेकिन यही फॉर्मूला जब मुझसे टर्बुलेंट फ्लो के लिए पूछा जाता है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए मैंने बताया था कि जो टाउ होता है वो वन अपॉन एक्स की पावर एट बटे पांच के समानुपाती होता है, एट बटे पांच। अब एट बटे पांच लिखो पावर में चाहे पॉइंट टू लिखो, इतनी बात है आपका, लेकिन ये एट बटे दो है, ध्यान रखना इस बात को। तो इस यहां से मुझे पता चला कि जो टाउ हो रहा वो वन अपॉन रूट एक्स के समानुपाती है, इसका मतलब जहां एक्स ज्यादा हो रहा वहां टाउ कम हो रहा है ना। तो यहां एक्स टू ज्यादा है तो टाउ कम हो रहा, तो यहां अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक्स एक्स वन कम था तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टाउ एक्स वन और टाउ एक्स टू में से टाउ एक्स वन ज्यादा होगा, उल्टा है ना, जहां एक्स ज्यादा वहां टाउ कम, तो टाउ एक्स वन ज्यादा हो रहा क्योंकि एक्स वन कम है, है ना। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसके अनुसार जो मुझे ऑप्शन मिलेगा वो टाउ एक्स वन ज्यादा हो गया, तो टाउ एक्स वन ज्यादा हो गया तो ये ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी छोटी सी मिस्टेक है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी लिखा होना चाहिए यहां डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं हो रहा, श्योर है एकदम, कुछ ना कुछ एक्स है तो जीरो बराबर नहीं हो रहा है, तो एक्स वन इज ग्रेटर देन टाउ एक्स टू, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो पहले मुझे बताओ तो कि बाउंड्री कंडीशन होती क्या है, पहले आप मुझे बताइए तो कि बाउंड्री कंडीशन क्या होती है किसी भी फ्लैट प्लेट के लिए। तो आप सबको पता है कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि जब भी कभी वाई होगा जीरो, जब भी कभी वाई होगा जीरो यानी आप सरफेस पी हो रहे तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूड पार्टिकल रहेगा वो भी जीरो होगा, यही है मेरी बाउंड्री कंडीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने पूछा है कि वह कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, डू नॉट सेटिस्फाइड, चेक कीजिए। तो इसका मतलब मुझे वो बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा,
थोड़ा सोचिए इस बात को। तो पूछ रहे इन चारों में y बराबर जीरो रखिए, u बराबर जीरो मिलता है तो सेटिस्फाइड करेगा, u बराबर जीरो नहीं मिलता तो नहीं सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो y बराबर जीरो रखो यहां पर, u जीरो मिलेगा। y बराबर जीरो साइन जीरो जीरो, u जीरो मिलेगा। y बराबर जीरो u जीरो मिलेगा। सर यहां y बराबर जीरो रखिए, ये जो इक्वेशन लिखी है u डिवाइड बाई यू नॉट इक्वल टू e की पावर y बाई डेल्टा, रखिए जरा y जीरो, तो y जीरो रखोगे तो कहोगे e की पावर जीरो, और e की पावर जीरो होता है वन, इसका मतलब उस समय वेलोसिटी u बराबर रहेगा u नॉट, सर u बराबर जीरो तो मिला ही नहीं। तो यही वो प्रोफाइल हो जाएगी जो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रोफाइल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। बाकी बची हुई प्रोफाइल बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि हर प्रोफाइल में y बराबर जीरो रखने पर स्मॉल u जीरो मिल रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए सवाल क्या। सवाल यह है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लेमिनार फ्लो, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लेमिनार फ्लो, बॉडी लेयर और फ्लैट प्लेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड द आइडेंटिटी, दिस इक्वेशन लिखी हुई है और लिखा हुआ है द फैक्टर ए विल हैव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। प्रोफाइल को मैं थोड़ा लिख लेता हूं, स्मॉल यू बराबर या स्मॉल यू बट यू नॉट इक्वल टू साइन पाई इंटू ए इंटू वाई बटे डेल्टा। कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोफाइल किसी लेमिनार फ्लो की है और आप फ्लैट प्लेट, तो बताइए स्मॉल ए का मान कितना होगा, बताइए स्मॉल ए का मान कितना होगा। हालांकि इस तरह के मैंने बहुत क्वेश्चन अभी सॉल्व कराए जिसमें यही सेम प्रोफाइल थी, तो स्मॉल ए का मान आपको निकालना है। तो एक सिंपल सी कंडीशन लगा दीजिए कि वाई बराबर जीरो हो तो स्मॉल यू जीरो निकले, और वाई बराबर डेल्टा हो तो स्मॉल यू यू इनफाइनाइट या यू नॉट निकले, यही दो कंडीशन लगा दीजिए। तो y बराबर जीरो रखिए, वैसे y बराबर जीरो रखेंगे तो स्मॉल u जीरो मिलेगा, तब a का मान नहीं पता चलेगा। ये कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन रो रखते देखिए, तो दूसरी वाली अगर कंडीशन रखी जाए मतलब y बराबर डेल्टा तो u u नॉट के बराबर होना चाहिए। तो भैया मेरे अगर y बराबर डेल्टा रखोगे तो यहां y डेल्टा कट गया, u बराबर u नॉट होना चाहिए एट बाउंड्री लेयर। देखिए भाई ये कंडीशन होती है एट सरफेस, किसकी सरफेस, सॉलिड सरफेस, और ये कंडीशन होती है एट बाउंड्री लेयर, ये कंडीशन होती है एट बाउंड्री लेयर, है ना। तो ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने कहा y बराबर डेल्टा रखिए तो u बराबर u नॉट होगा, तो y बराबर डेल्टा कट गया, u बराबर u नॉट कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इक्वल टू साइन पाई a चट जाए। अब एक बात बताइए, ये 1 तभी हो सकता है जब यहां साइन पाई बाई 2 हो, तो साइन पाई बाई 2 तो साइन से साइन कैंसिल, तो कंफर्म यहां से मैं निकालूं कि a का मान कितना होना चाहिए, तो सर a का मान 1 बाई 2 होगा, जब a 1 बाई 2 होगा तभी तो ये साइन पाई इंटू a बराबर 1 होगा, है ना। तो a का जो मान कैट मुझे मिल गया वो 1 बाई 2 मिल गया, a का कैट मान मुझे 1 बाई 2 मिल गया, ऑप्शन नंबर a हो गया। चेक कीजिए, बोलिए भाई बात सब तो समझ में आ रही ना, कठिन नहीं है वैसे इसको, तो मैं देखते ही बताया जा सकता है भाई इस तरह की। देखिए कितनी प्रोफाइल, अभी यहां पर भी तो आपने चेक किया था ये पाई बाई टू था, और वहां उन्होंने 1 बाई टू हटाकर ए कर दिया, तो ए का मान 1 बाई टू हो गया ना, ए का मान 1 बाई टू हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ जीरो प्रेशर ग्रेडियंट डेवर पी अपॉन डेवर एक्स फ्लो इज ड्रिवन बाय, तब बताना है कि मोमेंटम में इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। एक्चुअली में जो मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी वॉन टारमैन इक्वेशन, एक्चुअली में ये इक्वेशन होती है वॉन टारमैन इक्वेशन, इसी की मदद से मैंने थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फाइंड आउट की थी, इसी की मदद से मैंने थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर फाइंड आउट की थी। होती क्या है सर वॉन टारमैन इक्वेशन, ये होती है कि यदि मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाउ गया तो वो मान टाउ नॉट डिवाइड बाई रो यू नॉट स्क्वायर के बराबर होगा, वो मान टाउ नॉट डिवाइड बाई रो यू नॉट स्क्वायर के बराबर होगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, कोई मिलेगा कि सर डेवर टाउ अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू टाउ नॉट डिवाइड बाई रो यू नॉट स्क्वायर, एटी ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर ए। चेक कीजिए ऑप्शन नंबर ए यही लिखा है भाई, इस यू नॉट स्क्वायर को नीचे ले आइए ना, अगर इस यू नॉट स्क्वायर को तिरछा मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे तो यही वाला टर्म बन जाएगा ना,
डी थीटा बटे डी एक्स। तो टाइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लीजिए इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है इन अ लेमिनार फ्लो एक्सटेंडेड ओवर अ एंटायर लेंथ ऑफ द प्लेट। मतलब ये है कि आपका पूरी प्लेट में कौन सी बाउंड्री लेयर बनेगी, लेमिनार बनेगी, पूरी प्लेट में लेमिनार बनेगी। आज लिखा है लोटल सियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एवरेज सियर स्ट्रेस। इन्होंने एवरेज वैल्यू कहा जा रहा है कि जो लोटल सियर स्ट्रेस कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रेस था, लोटल सियर स्ट्रेस इक्वल टू एवरेज वैल्यू, तो मतलब लोकल टू ही एवरेज के बराबर कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कहेंगे कि सी एफ एक्स जो कि लोकल था और सी डी जो कि एवरेज था बराबर होना चाहिए। तो अगर फॉर्मूला अच्छा पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए पूरी प्लेट के लिए x बटे l का अनुपात कितना होना चाहिए, x बटे l। तो सी एफ एक्स और सी डी का अगर फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसे, सी एफ एक्स बताइए क्या होता है। सर सी एफ एक्स होता है 0.664 डिवाइड बाई अंडर रूट आर ई एक्स। आर ई एक्स का मतलब होता है रेनॉल्ड नंबर एट x डिस्टेंस, है ना। और सी डी आया था 1.328 और डिवाइड बाई आया था अंडर रूट आर ई एल। परंतु ये सब लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड है, ये सब किसके लिए वैलिड है, लेमिनार के लिए। तो यहां आर ई एल था मतलब पूरी लेंथ के लिए था, ये एट अ सेट डिस्टेंस एक्स था। तो अगर मैं देखूं इस पूरे पॉइंट को तो ये पॉइंट इससे दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा। चेक कीजिए, अब एक बार बताइए आर ई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रो यू एक्स बटे म्यू, रो यू एल बटे म्यू। तो भाई सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे बट यहां पर एक्स बचेगा, यहां एल बचेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इन दोनों की मदद से कि 1/√x इक्वल टू 2/√l, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का जब फॉर्मूला लगाओगे तो सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक्स और एल नहीं कैंसिल आउट हो रहा। तो स्क्वायर करा दीजिए, तो स्क्वायर करा दिया जाएगा। तो कन्फर्म देखिए, स्क्वायर करा देने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा देखने को, रिजल्ट देखने को मिलेगा 1/x इक्वल टू 4/l, 1/x इक्वल टू 4/l, ये मुझे रिजल्ट मिलेगा देखने को। लेकिन इन्होंने पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था x बटे l। तो मैं यहां से x बटे l निकाल दूं ना, तो देखिए चेक कीजिए, अगर मैं यहां से x बटे l निकालूं तो बताओ जरा सर x बटे l कितना होगा। तो x बटे l अब निकालो ना इससे x बटे l, तो 1/4 होगा ना, 1/4 होगा ना, तो 1/4 होगा। तो 1/4 का केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0.25। अरे भैया 0.25 को ही तो 1/4 लिखोगे, तो करेक्ट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, कंसीडर बहुत ध्यान से देखना, कंसीडर द बाउंड्री लेयर टू बी कंप्लीटली टर्बुलेंट। इन्होंने कहा कि पूरी बाउंड्री लेयर को कैसा मान के चलो, टर्बुलेंट, राइट फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, यानी जहां लीडिंग एज से स्टार्ट होती है बाउंड्री लेयर बनना, अब वहीं से टर्बुलेंट बनना शुरू करो। आगे देखिए, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस टाउ वन एंड टाउ टू टू सेक्शन एट टू सेक्शन विच लाइज एट अ डिस्टेंस एक्स वन 2 यूनिट एक्स टू 10 यूनिट और फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द प्लेट। तो तुमसे टाउ वन और बटे टाउ टू का अनुपात पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बात टर्बुलेंट फ्लो की हो रही है, तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो टर्बुलेंट फ्लो में टाउ होता है, सियर स्ट्रेस होता है, वो 1/x की पावर 1/5 के समानुपाती होता है ना। भैया मेरे 1/5 को ही तो 0.2 लिखोगे, 1/5 को ही तो 0.2 लिखोगे, तो रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 0.2 का पावर 0.2 का टेबल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यकीन ना है तो आप देख लीजिए, 2/10 5 आएगा तो 5 की पावर 0.2 ही लगेगा, श्योर है एकदम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एट अ पॉइंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन, पॉइंट बाउंड्री लेयर सेपरेशन। तो कहा जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा पार्ट सही होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि जहां कहीं भी बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है वहां पर हमेशा वेलोसिटी ग्रेडियंट du बटे dy एट y इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन जहां पर होल्ड करती है वहीं पर बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है। अभी बताओ, अगर du बटे dy 0 है तो कंफर्म वहां पर सियर स्ट्रेस भी तो 0 होगा, वहां पर सियर स्ट्रेस भी तो 0 होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस पॉइंट से बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट होता है वहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट एट y इक्वल टू 0 शुड बी 0,
इसका मतलब वहां पर शियर स्ट्रेस भी जीरो। क्यों शियर स्ट्रेस जीरो? अरे भैया शियर स्ट्रेस टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू डीयू बटे डीवाई, डीयू बटे डीवाई, और डीयू बटे डीवाई जीरो है तो शियर स्ट्रेस भी जीरो हो रहा है। तो टेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे पास नया क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बाउंड्री लेयर। अच्छा प्रोफाइल दे दी इन्होंने, प्रोफाइल को थोड़ा सा गौर से देखिए तो प्रोफाइल जो है वो पावर वाली प्रोफाइल है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है द रेशियो, बताइए किसका रेशियो पूछा जा रहा है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू नॉमिनल लेयर थिकनेस। यहाँ नॉमिनल लेयर थिकनेस, नॉमिनल मतलब परपेंडिकुलर, तो वहां पर नॉमिनल लेयर थिकनेस का मतलब यहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और बाउंड्री लेयर थिकनेस का आपसे रेशियो है पूछा जा रहा है एक्चुअली में। तो कुछ नहीं, हम लोग इस प्रोफाइल को लेकर एक बार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डाल देते हैं, सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो डेल स्टार था उसका फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा, और अंदर था वन माइनस यू बटे यू इनफाइनाइट, और यू बटे यू इनफाइनाइट देखिए कितना है, तो ये है तुम्हारा वाई बटे डेल्टा की पावर एट बटे नौ, वन बाई नाइन, और आगे हो जाएगा डी वाई। ठीक है, तो डेल स्टार इंटीग्रेशन का ये तो वन का इंटीग्रेशन वाई, और यहां जब इंटीग्रेशन का आया जाएगा, अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, देखिए डायरेक्ट लिखा जाएगा तो मैं कह सकता हूं वन का इंटीग्रेशन वाई, लेकिन जीरो से डेल्टा लगाया जाएगा तो एट डेल्टा रहेगा, यहां भी डेल्टा आएगा, तो हर बार डेल्टा डेल्टा जैसे कॉमन होता था वैसे कॉमन इस बार भी होगा। यहां पर वन बचेगा जब कॉमन ले लोगे डेल्टा को, ये इंटीग्रेशन भी हो चुका है और लिमिट भी लग चुकी है, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और एट बटे नौ का जब इंटीग्रेशन कराओगे तो एट बटे नौ प्लस एट होगा, और एट बटे नौ प्लस एट को अगर देखा जाए तो मैं दस बटे नौ कहूंगा, लेकिन दस बटे नौ का नीचे डिवाइड हो रहा ना, तो जब डिवाइड हो रहा तो उल्टा हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, डेट मीन्स माइनस का नाइन बाई टेन आ जाएगा। अब बाकी वो जो इंटीग्रेशन हो रहा फिर लिमिट लगाओगे तो उस वहां भी ये डेल्टा बनेगा, परंतु डेल्टा मैंने पहले से कॉमन ले रखा है ना। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कभी प्रोफाइल एकदम सही साट होगी जो कि होनी चाहिए तो उसके बाद आपका इसी तरह रिजल्ट बनता है। डेल स्टार चेक कीजिए, तो डेल स्टार जो आ जाएगा यहाँ से वो डेल इंटू और वन माइनस वन बाई टेन यानी वन बाई टेन आ जाएगा, नाइन बाई टेन। तो उन्होंने रेशियो पूछा हुआ था, किसका पूछा हुआ था? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू नॉमिनल बाउंड्री लेयर थिकनेस या नॉमिनल लेयर थिकनेस। तो टेट आंसर हो जाएगा कि डेल स्टार, और यदि डेल का रेशियो पूछा जाए तो एट बटे दस आ जाएगा। तो ढूंढ लीजिए एट बटे दस है कि नहीं ऑप्शन में, तो कहीं पर भी एट बटे दस नहीं लिखा, कहीं पर भी एट बटे दस नहीं लिखा, लेकिन पॉइंट वन तो लिखा है ना, एट बटे दस नहीं लिखा पॉइंट वन तो लिखा है ना। तो जो टेट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी टेट हो जाएगा। चेक कीजिए, अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि लेमिनार सब लेयर, बहुत नाम सुनते हैं ना लेमिनार सब लेयर। तो लेमिनार सब लेयर में डेवलप ड्यूरिंग द फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इट एग्जिस्ट इन। तो कहा जा रहा है कि जो लेमिनार सब लेयर होती है ये किस जोन में एग्जिस्ट करती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कभी हम लोग किसी फ्लैट प्लेट पे प्रोफाइल दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फ्लैट प्लेट है और इस फ्लैट प्लेट पे मुझे बताना है कि कैसी प्रोफाइल बननी चाहिए, लेमिनार कैसा होना चाहिए, कब ट्रांजिशन जोन बनता है, तो कुछ इस तरह से बनाई रही थी प्रोफाइल है ना। तो ये था तुम्हारा लेमिनार, ये ट्रांजिशन, और आगे था टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट जोन के बॉटम में ये यू कहिए कि नियर द वॉल नियर द प्लेट यहां पर एक और प्रोफाइल आई थी। ये जो प्रोफाइल आई थी बस मेरी यही प्रोफाइल ही कहलाती है लेमिनार सब लेयर है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था यही डिस्ट्रीब्यूशन या ये कह सकते हो प्रोफाइल मेरी लेमिनार सब लेयर कहलाती है, सब लेयर, ठीक है। तो लेमिनार जो सब लेयर बनती है वो तुम्हारा कह सकते हो ये, अच्छा ये टर्बुलेंट होती है लेमिनार, ट्रांजिशन, टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट के नीचे लेमिनार सब लेयर। तो कहा जा रहा है कि आपका लेमिनार सब लेयर कहां बनती है ड्यूरिंग अ फ्लैट प्लेट इट एग्जिस्ट, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करती है टर्बुलेंट जोन में। तो टेट इसका आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट जोन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर कीजिए, गलती मत कर देना, अगर आपको नॉलेज है तो आप सही लगा सकते हो, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती, जो लोग इसको नहीं पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट इसका आंसर लेमिनार लगा देते हैं, जबकि लेमिनार गलत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बाउंड्री लेयर फॉलो इन अ टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। कहा जा रहा है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है। तो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ,
जब भी कभी बात लेमिनारिटी हो रही थी, बताइए लेमिनारिटी के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है वेलोसिटी का? तो वेलोसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है लेमिनारिटी के लिए, वो फॉलो होता है पैराबोला, है ना। उसके बाद अगला आता है मेरा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का फॉलो होता है टर्बुलेंट के लिए, वो फॉलो होता है लॉगरिथमिक। कैसा? लॉगरिथमिक, है ना। तो इन्होंने पूछा कौन सा है, उन्होंने पूछा है टर्बुलेंट के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉगरिथमिक। कोई है कहीं? है, ऑप्शन नंबर ए, लॉगरिथमिक लॉ। अच्छा, जो लेमिनार सब लेयर होती है, जो आपकी लेमिनार सब लेयर होती है, कोई पूछे कि जो लेमिनार सब लेयर होती है उसमें वेलोसिटी का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, तो लेमिनार सब लेयर में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है लीनियर। कैसा? लीनियर। क्यों लीनियर होता है? क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि लेमिनार सब लेयर की जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है, बहुत कम होने की वजह से यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है वो कौन सा होता है? लीनियर। बाकी पैराबोला लेमिनार के लिए होता है, टर्बुलेंट के लिए कह सकते हो, टर्बुलेंट के लिए कह सकते हो कि लॉगरिथमिक होता है। तो पूछा इन्होंने कौन सा था? टर्बुलेंट। इसी वजह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा लॉगरिथमिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन ये है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ध्यान से सुनते हैं क्वेश्चन को, लिखा हुआ है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर। अच्छा, प्रोफाइल इन्होंने दे रखी है, यू डिवाइड बाई यू इनफाइनाइट इक्वल टू वाई बाई डेल्टा की पावर 0.25। एट ए सर्टेन सेक्शन द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी दे दी, बाउंड्री लेयर थिकनेस वाज एस्टिमेटेड टू 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर बाउंड्री लेयर थिकनेस भी दे दी और उन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बताइए। इजी क्वेश्चन है, हम लोग इस प्रोफाइल की मदद लेंगे, हम लोग इस प्रोफाइल की मदद लेंगे और पहले ये बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस। और बाउंड्री लेयर मेरी थिकनेस पता है, उन्होंने दे दी, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछी जा रही, निकाल लेंगे ना। तो चलो फिर प्रोफाइल को यूज करते हुए हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डाल लें। तो याद करिए डिस्प्लेसमेंट थिकनेस डेल स्टार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन 0 से डेल्टा और अंदर होता है 1 - u/u∞। यू डिवाइड बाई यू इनफाइनाइट का मान है वाई बटे डेल्टा की पावर 0.25, वाई बटे डेल्टा की पावर 0.25। तो भैया मेरे जो 0.25 है, अगर गलत नहीं हो रहा, अगर मैं इसको 8/4 लिख दूं, 0.25 को गलत नहीं हो रहा, यदि मैं इसको 8/4 लिख दूं, इसी तरह तो मुझे इंटीग्रेशन कराना है, इसी तरह तो मुझे इंटीग्रेशन कराना है, करा दीजिए फटाफट। तो मैं इंटीग्रेशन भी कराता हूं और डायरेक्ट लिमिट भी लगाता हूं, मैं इंटीग्रेशन भी कराता हूं और डायरेक्ट लिमिट भी लगाता हूं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बाहर एक छोटा सा डेल्टा लगा दो, 1 का इंटीग्रेशन y, लेकिन जब y में डेल्टा लिमिट लगाओगे तो डेल्टा कॉमन हो चुका होगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस y की पावर 8/4। तो y की पावर 8/4 का इंटीग्रेशन कराओगे तो 8/4 में 8 जोड़ा जाएगा, तो 8/4 में यदि 8 जोड़ोगे तो 8/4 + 8 यानी 5/4। तो 5/4 नीचे डिवाइड हो रहा, तो डिवाइड को जब 5/4 का डिवाइड कराओगे तो कन्फर्म यहाँ 4/5 आ जाएगा, कन्फर्म यहाँ 4/5 आ जाएगा, है ना, श्योर है एकदम। डेल्टा बाहर रहेगा, बाकी सब वो उड़ जाएगा, है ना, ये सब तो बात पता है। तो डेल स्टार का ये जो मान आ जाएगा मेरा, वो डेल बाई 5 आ जाएगा, डेल बाई 5। अब देख लीजिए इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया था कि बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है वो आज एस्टिमेटेड 5 सेंटीमीटर। बाउंड्री लेयर जो थिकनेस है, मतलब इन्होंने डेल का मान जो है, डेल का मान सवाल में बोल दिया है 5 सेंटीमीटर बाउंड्री लेयर थिकनेस, लेकिन इन्होंने पूछा कौन सी थिकनेस है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मेरे भाई अगर ये रिलेशनशिप पता चल गया और डिस्प्ले बाउंड्री लेयर थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, तुमसे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पूछा, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मेरी 1 सेंटीमीटर होगी, टोटी बाउंड्री लेयर थिकनेस सेंटीमीटर में, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी मेरी सेंटीमीटर में होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.0 सेंटीमीटर। बोले इजी क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ लेमिनार बाउंड्री लेयर, इन अ लेमिनार बाउंड्री लेयर, लेमिनार बाउंड्री लेयर, तो लेमिनार बाउंड्री लेयर कहा जा रहा है और 2 सेक्शन 30 और 90 की डिस्टेंस पे दे दिए गए हैं, tau1 tau2 स्ट्रेस दे दिए गए हैं, अनुपात पूछा जा रहा है। तो सब तो बात पता है कि जो लेमिनार बाउंड्री लेयर होती है वो उसका जो टाउ होता है वो 1/√x के समानुपाती होता है, 1/√x के समानुपाती होता है। रूट, रूट का मतलब होता है पावर 8/2,
अब पावर 8/2 का टेबल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ज्यादा सवाल को सॉल्व मत ट्राई करो, ऑप्शन नंबर सी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। वैसे ऑप्शन नंबर सी हो रही, 30 या 90 तीन है, 30 या 90 तीन है, तो तीन की पावर ही तो 1/2 होगा, तो करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u/u0 सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन इन लेमिनार फ्लो। सेटिस्फाइड मतलब कहा जा रहा है इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, लेकिन इन्होंने इंटर फॉर्म में दिया है, तो जब भी कभी ना दिया जाए तो ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा सा इस बात को इन्होंने लिखा होना चाहिए कहीं पर कि ये जो आपका u/u0 होता है ये y/δ के बराबर होता है, और कई बार इस y/δ को ही, इस y/δ को ही ईटा लिखा जाता है, इस y/δ को ही क्या लिखा जाता है, ईटा लिखा जाता है, ध्यान रखना इस बात को, y/δ को ही कई बार ईटा लिख दिया जाता है, इसको लीनियर स्टेल रेशियो भी कहा जाता है। तो u/u0 को ये बराबर कीजिए और देखिए कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u/u0 सेटिस्फाइड द बाउंड्री लेयर कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तुम्हें ये बताना है। अगर मैं इसको साइड हैंड से लिखूं कि पहला ए नंबर क्या लिखा है ऑप्शन, तो कहोगे कि ए नंबर सर एक्चुअली में लिखा है u/u0 इक्वल टू ईटा का मान y/δ, तो y/δ माइनस y/δ का स्क्वायर, ये है पहला ऑप्शन एक्चुअली में। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये ध्यान रखना ईटा मतलब y/δ होता है, ये मुझे लिख देना चाहिए था सवाल में, लेकिन ये अंडरस्टूड वाली बात भी होती है। u/u0 बी ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो बी ऑप्शन हो जाएगा u/u0 इक्वल टू 1.5, आगे हो जाएगा y/δ माइनस 0.5 y/δ का क्यूब, ये मेरा एक्चुअली में बी ऑप्शन है ना। इसी तरह से मेरा सी ऑप्शन लिखू कि बताओ जरा सर सी ऑप्शन क्या है, तो सी ऑप्शन अब आप समझ रहे होंगे क्या है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये चीज एकदम बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती है ना। तो एक बात बताइए कि y=0 रखने पर, भाई दो कंडीशन मैंने बताई थी, y=0 रखने पर वेलोसिटी जीरो मिले, सबसे पहली बात y=0 रखने पर वेलोसिटी जीरो मिले, और उसके बाद एक और कंडीशन होती है, उस कंडीशन को बोला जाता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है मुझे ये बताना है। और दूसरी कंडीशन होती है कि y=δ रखिए तो u/u0 मिले, u0 है ना। तो देख लेते हैं कि ये दो कंडीशन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है। तो पहला मैंने कहा कि y/δ रखोगे तो y=0 रखिए तो u/0 तो मिलेगा पहले ए ऑप्शन में, लेकिन y=δ रखोगे, ये y=δ रखोगे तो स्मॉल u तब भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब स्मॉल u y=δ रखने पर जीरो मिल रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन y=0 रखिए तो y=0 रखेंगे तो स्मॉल u जीरो मिलेगा, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। दूसरी कंडीशन y=δ रखिए तो y=δ तो 1/2 - 0.5 1 तो u/u0, इसका मतलब दूसरी वाली कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड करती है इन दोनों कंडीशन को। तो इसका मतलब जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर बी हो गया, और कोई नहीं करेगा, ये क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि यहां तीन है यहां एक है, जब y=δ रखोगे तो तीन में से एक घटाओगे तो u नहीं 2u आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं सही हो सकता। यहां सर, यहां तो सर दिक्कत ही है सर, y=0 रखेंगे तो y=0 तो देख लीजिए ईटा=0 cos0 1 होता है, तो cos0 जब 1 हो जाएगा तो u/u0 को जब बराबर किया जाएगा तो u/u0 आ जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही केवल एक ऐसी इक्वेशन है जो इन दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाइड करता है, एक साथ सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बोली भाई बात सबको समझ आ रही, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना ठीक है। और ईटा जब भी कभी आपको ना दिया जाए तो ईटा के स्थान पे y/δ मान लेना अगर बाउंड्री लेयर का सवाल है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे पहले कोई अगला क्वेश्चन हो, ठीक है बस यही बचा हुआ है ठीक। अब ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई बहुत कायदे के साथ, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।
क्वेश्चन को मैं पूरा लिखूंगा तब आपको बताऊंगा तीसरा सोल्यूशन कैसे। लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस अल्टा सेक्शन फॉर एन एयर स्ट्रीम। तो एयर स्ट्रीम मतलब एयर की डेंसिटी दे दी 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, मूविंग विद ए वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी का मतलब ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिएगा मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ओवर फ्लैट प्लेट इज 0.5 mm। तो 0.5 mm जो दिया गया है वो कौन सी थिकनेस हो रही? सर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो रही। 0.5 mm जो दिया गया है वो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हो रही। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो डेल स्टार मुझे दिया गया है वो 5 mm दिया गया है। फिर आगे लिखा हुआ है 0.5 mm है। आगे लिखा हुआ है व्हाट द लॉस मास फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इन किलोग्राम पर मीटर व्यूब्ड। यानी किलोग्राम में बताना है मास फ्लो रेट का लॉस, पर मीटर व्यूब्ड बताना है और साथ साथ पर सेकेंड बताना है। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे पर सेकेंड लगने की वजह से कह सकता हूं कि मास फ्लो रेट बताना है, मास फ्लो रेट बताना है और पर मीटर विड्थ बताना है। तो पता है इसका मात्रक क्या आएगा? इसका मात्रक आएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड मीटर। ये माना है मात्रक जो मुझसे पूछा जा रहा है भाई, मास फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ। ठीक है, चलिए फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में कहीं पर भी प्रोफाइल नहीं दी रही, इसलिए तुम्हें डेल स्टार बता दिया गया। अब याद करिए मैंने आपको डेल स्टार की डेफिनेशन क्या बताई थी, बहुत ध्यान से सुनते आना जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास ये कोई फ्लैट प्लेट है, ध्यान से सुनते आना, और इस फ्लैट प्लेट को थोड़ा और हैचिंग कर दूं, सवाल बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले सवाल को समझ तो लीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल को एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है, सवाल को समझ लीजिए क्या कह रहा है। अरे दे बात सुनिए, उसके बाद मैं फ्री स्ट्रीम यहां बना दूं किसी भी फ्लूड की फ्री स्ट्रीम बना दूं और यहां से एक सेक्शन को फिक्स कर लूं, कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मैं बस इतने ही एरिया में देखना चाहता हूं। आगे बात सुनिए अगर मैं यहां पर देखूं कि सर यहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बननी चाहिए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, कि सर यहां पर यदि वेलोसिटी प्रोफाइल बनानी है तो यहां पर वेलोसिटी जो प्रोफाइल बनेगी मेरी एकदम एंड ऑफ द सेक्शन या ट्रेलिंग एज एट द सेक्शन, ये कुछ बनेगी और अंत में ये जो वेलोसिटी होगी ये अप्रॉक्स यू नॉट के बराबर होगी। यहां पर ये जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है ये भी मेरी इतनी होगी यू नॉट। ध्यान सुनते हैं ना, तो मैंने कुछ किया नहीं है, एक प्लेट बनाई, सबको पता है कि प्लेट का जो लीडिंग एज होता है उस पर वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होती है, लेकिन जो ट्रेलिंग एज होता है या आगे के जितने भी एज होते हैं उन हर पॉइंटों पर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है आपकी, है ना, यहां से लेकर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, है ना। चूंकि मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट मेरा बाउंड्री लेयर का पॉइंट है, इसी वजह से इस पॉइंट पे यू बराबर यू नॉट है। ठीक है, आगे बात सुनिए, मैं आपसे पूछूं कि सर यहां से मास एंट्री कर रहा है पर सेकेंड और यहां से मास एग्जिट भी कर रहा है पर सेकेंड, m1 dot और यहां से मास एग्जिट कर रहा है पर सेकेंड m2 dot। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए m1 dot और m2 dot में से कौन सा मान ज्यादा है कौन सा मान कम है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर वहां जो मास एंट्री कर रहा था उन सारे मास की जो वेलोसिटी थी वो u नॉट थी, लेकिन यहां पर जो मास एग्जिट कर रहा है इनकी वेलोसिटी u नॉट नहीं है। सबसे ऊपर वाले या यू कहिए कि सबसे ऊपर वाला जो बाउंड्री लेयर पे हो रहा पॉइंट उसकी वेलोसिटी तो u नॉट है, लेकिन अंदर के सारे पॉइंटों की वेलोसिटी कम है। तो इसका मतलब यहां जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी होगी। तो वेलोसिटी कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो मास एग्जिट करेगा वो कम होगा श्योर एकदम। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो m1 डॉट होगा यानी एंट्री किया गया मास वो ज्यादा होगा और m2 डॉट जो होगा वो सर कम होगा एग्जिट वाला। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मास का इधर से उधर लॉस जरूर हुआ होगा, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 10 किलोग्राम का पानी या 10 किलोग्राम का फ्लूड एंट्री किया प्रति सेकेंड
और यहां से निकला 8 किलोग्राम का फ्लूट, यहां से निकला 8 किलो वेलोसिटी का, ना तो बताइए लॉस तो होगा ना, तो कुछ ना कुछ मास का लॉस होगा। तो ये कह सकता हूं, इसे बोल दिया मैंने एम डॉट। एम डॉट क्या है सर? एम डॉट है लॉस इन मास, और वो भी पर सेकेंड, लॉस इन मास पर सेकेंड। तो मैं पूछूं कि सर एम डॉट कैसे निकालना चाहोगे आप, तो कहोगे एम डॉट निकालना है तो एम वन डॉट यानी एंट्री किए गए मास में से एग्जिट किए गए मास को घटा दो, एंट्री किए गए मास में से एग्जिट किए गए मास को घटा दो, तो आपको लॉस पता चल जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा, एंट्री किया गया मास निकालना बेहद आसान है, एम वन डॉट निकालना बेहद आसान है, लेकिन एम टू डॉट के लिए मुझे प्रोफाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एम टू डॉट निकालने के लिए प्रोफाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाइए, मैं अभी बताता भी हूं कि एम वन डॉट और एम टू डॉट इस डायग्राम में कैसे निकले रहा, उससे पहले मैं इस सवाल को थोड़ा सॉल्व कर दूं। अब यह सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब याद हो आपको मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, उस डेफिनेशन को बोलते हैं कह सकते हो कि थिकनेस ऑफ या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, उस डेफिनेशन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वह थिकनेस होती है जिसे यदि आप सॉलिड सरफेस को डिस्प्लेस कर दीजिए, और डिस्प्लेस कर देने के बाद जितना कंपन से रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हुआ, भाई यहां मास फ्लो रेट ज्यादा था यहां कम था, तो जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट हुआ उसे कंपनसेट करने के लिए सरफेस को जितना ऊपर नीचे खिसकाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मास फ्लो रेट को कंपनसेट करती है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मास फ्लो रेट को क्या करती है, कंपनसेट करती है, बस सीधी बात है आपका, ठीक है। तो बस इसी के आधार पर मैं निकाल देता हूं। तो सवाल इन्होंने लिखा था लॉस, तो वो जो लॉस हुआ उसी को कंपनसेट करती है मास फ्लो रेट को, तो लॉस इन मास फ्लो रेट पूछू कि बताओ जरा सा लॉस इन मास फ्लो रेट क्या है। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये होता है क्योंकि एम डॉट है ना, एम डॉट है तो डेंसिटी। और अगर बात भाई मास का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, लेकिन जब एम डॉट की बात करते हैं तो जो आयतन होता है वो एरिया इंटू लेंथ ना होकर एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एम डॉट बताइए डेंसिटी कितनी है सर, डेंसिटी है 1.2, डेंसिटी है 1.2, बात एरिया ही करते हैं, तो इन्होंने पर यूनिट विड्थ पहले से बोल दिया था, और साथ साथ इन्होंने एक और मान दिया था डेल स्टार का, तो डेल स्टार कितना ऊपर किया, तो डेल स्टार इंटू, डेल स्टार है 0.5 इंटू 1। अच्छा 0.5 जो है वो मेरा मीटर में एमएम में है, तो 0.5 mm में, चलो अच्छा एक बार मैं सारे मान लिख देता हूं, रो इसके बाद हो जाएगा डेल स्टार इंटू 1 है ना, और इंटू कह सकते हो वेलोसिटी, बस फिर आप ये फॉर्मूले लगाकर बड़े आराम से m डॉट बता सकते हैं कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस्तेमाल कर लीजिए ये फॉर्मूले को, बताइए m डॉट कितना है, तो रो है 1.2 इंटू डेल स्टार, तो डेल स्टार है 0.5 mm, लेकिन 0.5 इंटू 10^-3 और करना पड़ेगा, इंटू 10^-3 और करना पड़ेगा इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ये 10, तो मान आ गया मेरे पास 6 × 10^-3, तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट जो पता चल गया वो 6 × 10^-3 पता चल गया, तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट आ गया 6 × 10^-3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि मास फ्लो रेट की डेल स्टार की डेफिनेशन ही होती है कि डेल स्टार वह अमाउंट में होती है थिकनेस या प्लेट को इतना ऊपर किया जाता है जिसकी मदद से रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को कंपनसेट किया जा सके, है ना। यानी ये जो एम डॉट आया है आपका, इसको कंपनसेट करने के लिए प्लेट को जितना ऊपर शिफ्ट करोगे दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, मैं वहां सवाल को सॉल्व कर दिया, अब यहां आ जाइए। सवाल अगर मुझसे पूछा जाता कि सर एम डॉट मुझे निकालना है, यानी रिडक्शन कितना हुआ, ये कितना बाहर गया, ये मुझे निकालना है, तो मैं M1 डॉट में से M2 डॉट को घटा दूंगा। सवाल ये है कि सर ये M1 डॉट कैसे निकालोगे, तो M1 डॉट वेरी इजी है, M1 डॉट वेरी इजी है कि सर M1 डॉट चाहिए यानी एंट्री किया गया मास फ्लो रेट चाहिए, एंट्री किया गया मास फ्लो रेट चाहिए, तो एंट्री किया गया मास फ्लो रेट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की मुझे लेंथ पता होनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ पता होनी चाहिए, और यदि मैं पर यूनिट विड्थ ले लूं, जैसे कि मैं यहां से लेटर यहां तक की लेंथ को अपनी तरफ से डेल डेल मान लू, और डेल माना जाएगा क्योंकि यहां पर जो थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर आएगी वो डेल ही है, तो यहां भी डेल मान लिया मैंने,
तो मैं कह सकता हूं कि जो डेल स्टार नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, डेल कह रहा हूं, डेल होती है थिकनेस ऑफ बॉन्ड लेयर, और ये यदि यू नॉट है तो कंफर्म यहां से लेटर यहां तक की जो लेंथ होगी वो डेल ही होगी फॉर दिस पॉइंट, है ना। आगे बात सुनिए, तो एम वन डॉट अगर मुझसे पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, एम वन डॉट रो और हो जाएगा डेल स्टार, और मान लीजिए पर यूनिट वेथ है, अंदर की वेथ वन है इंटू वन, और वेलोसिटी कितनी है एंट्री पर यू नॉट, तो ये जो मेरा मान आएगा ये आएगा एम वन डॉट, एम वन डॉट मतलब एंट्री में कितना मास फ्लो रेट था। अब मुझे एग्जिट में मास फ्लो रेट चाहिए, तो भैया मेरे एग्जिट पे तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो एग्जिट पे मास फ्लो रेट डायरेक्ट नहीं निकल सकता, पहले मैं एक स्ट्रिप का मास फ्लो रेट निकालूंगा, और फिर जब स्ट्रिप का निकलाएगा तो उसका इंटीग्रेशन काटे तब मैं एम टू डॉट लगाऊंगा, तो ये एम वन डॉट हुआ। अब मुझसे एम टू डॉट पूछा जाता तो देखिए सोचिए एम टू डॉट क्या होगा, तो एम टू डॉट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, ध्यान देना भाई, एम टू डॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक, जो बेस मैंने माना था इस बेस से वाई डिस्टेंस ऊपर एक पट्टी माननी पड़ती है, और इस पट्टी की जो मोटाई मानी जाती है ये यू मानी जाती है, स्मॉल यू, तो इस पट्टी से पहले मास फ्लो रेट निकाल दू, उसका इंटीग्रेशन कर दू, तो पट्टी की जो मोटाई है यहां से लेकर यहां तक केवल इतनी मोटाई, इस मोटाई को मैं डीवाई कहूंगा, इस मोटाई को डीवाई, तो एरिया इतना हो जाएगा सर, डीवाई इंटू अंदर की विड्थ वन, ये एरिया हो जाएगा ना, और लिमिट लगाई जाएगी वाई जीरो से डेल्टा, भाई यहां इस वाले पॉइंट के लिए वाई जीरो और टॉप वाले पॉइंट के लिए वाई डेल्टा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एम टू डॉट चाहिए तो पहले पट्टी के लिए निकालो, तो पट्टी के लिए हो जाएगा रो इंटू पट्टी का एरिया, दैट मीन्स डी वाई इंटू ए वन इंटू पट्टी पर वेलोसिटी, तो पट्टी पर वेलोसिटी होगी स्मॉल यू, जनरल वेलोसिटी। तो मैं पूछू एम डॉट अगर कंप्लीट निकालना है तो सर इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन में रो बाहर आएगा लेकिन यू डी वाई अंदर ही रहेगा, लेकिन यू का मान कैसे पता चले, तो यू का मान देने के लिए आपको प्रोफाइल दे दी जाती है, आपको क्या बता दी जाती है प्रोफाइल, लेट प्रोफाइल लीनियर है, मान लीजिए प्रोफाइल लीनियर है, ये है प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल डेटा फिर आपसे एम टू डॉट पूछेगा, तो एम टू डॉट अगर निकाला जाए ये प्रोफाइल डेटा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जीरो से डेल्टा लिमिट होगी वाई की, तो रो और यू की जगह पर हो जाएगा वाई बटे डेल्टा या यू नॉट बाहर डेल्टा बाहर, और वाई की जगह यू नॉट बटे डेल्टा आपने किया यू की जगह पे, सॉरी, तो वाई अंदर हो जाएगा, तो वाई और ये मेरा डी वाई, और इसका का देना पड़ेगा मुझे इंटीग्रेशन जीरो से डेल्टा, कुछ किया नहीं है, ये मत सोचना बहुत ज्यादा दिमाग है, कुछ नहीं, यू बराबर मान रख दिया बस मैंने वहां पर, यहां से डाल के इतना ही आएगा वाई का इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर बटे दो लिमिट लगाओ वाई स्क्वायर बटे दो में, तो एट डेल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कन्फर्म ये जो रिजल्ट निकलेगा वो एट बटे दो रो यू नॉट डेल आएगा, चट्टी जाए, तो एम टू डॉट दिस वैल्यू आई, तो एम टू डॉट का जो मान होता है ना भैया वो प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, हो सकता है प्रोफाइल वाई बटे डेल्टा की पावर एट बटे नौ होती, एट बटे चार होती, एट बटे दो होती, एट बटे तीन होती, तो यहां पर मैं कह सकता था उस कंडीशन में यहां पर जो मान आता वो चेंज होता, तो एम टू डॉट इस तरीके से निकाला जाता है, एम वन डॉट जनरली निकाल सकते हैं, फिर एम वन डॉट में से एम टू डॉट घटाकर हम लोग बता देंगे मास फ्लो रेट कितना होगा, मास फ्लो रेट रिडक्शन इन मास फ्लो रेट कितना होगा, रिडक्शन, लेकिन इन्होंने प्रोफाइल नहीं दी थी सवाल में, तो प्रोफाइल नहीं दी थी तो इन्होंने एक और चीज बता दी थी, वो चीज थी मेरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की डेफिनेशन ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वह थिकनेस होती है जिसे यदि प्लेट को शिफ्ट किया जाए तो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट को कंपनसेट किया जा सकता है, बस सेम लॉजिक मैंने लगा दिया, आंसर आ गया। ये तरीका अगर आपने डेरिवेशन करते समय देखा होगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का तो जरूर आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहां से मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, अभी बाउंड्री लेयर थ्योरी में एक दो कॉन्सेप्ट और भी हैं, जैसे कि फोर्स ऑन सबमर्ज्ड बॉडी है, तो वो मैं अभी और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद जो है आपका यहां से चैप्टर खत्म होकर फिर हम लोग मशीन